हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको जहाँ पे छोड़ा था वो आपका था, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या पढ़ रहे थे आपके, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में हमने तीन हेडिंग डाली थी। एक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरा हमने जो पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और तीसरा, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, शुरू के दो में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को डिफ्यूजन और आपकी काइनेटिक एनर्जी में प्रॉब्लम हुई हो। वैसे तो नहीं हुई होगी, बट फिर भी 1%। डिफ्यूजन क्या होता है दोस्तों, जब आपका एक टाइप का मैटर दूसरे टाइप के मैटर में मिक्स हो जाता है। जब आपका एक टाइप का मैटर दूसरे टाइप के मैटर में मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर, कि जो आपका दो अलग अलग मैटर हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे आसपास सारी चीजें मैटर हैं, सब कुछ, बट इसमें से हर चीज हर एक के अंदर नहीं घुल सकती। भाई कुछ ही चीजें हैं जो एक चीज दूसरे के अंदर घुल सकती है। तो जब एक मैटर दूसरे के अंदर घुल जाता है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद पॉइंट ये था कि आपका जो डिफ्यूजन है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। मान लीजिए आपने देखा होगा कि मम्मी दाल वगैरह भर रही है कंटेनर में, जब उस कंटेनर में वो एक बार डालती है, भर जाती है, फिर उसको थोड़ा बहुत हिलाती है, फिर उसमें और ज्यादा थोड़ी डालती है, फिर और हिलाती है, फिर उसको ठोंकती है, पीटती है, ऐसे ऐसे फिर उसमें सामान आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है कि जब आपकी कोई चीज घुलना किसी में बंद कर देती है और फिर भी हम उसमें घुलना चाहते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, जो वो सॉल्यूशन है उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर वो चीज जो उसमें नहीं घुल रही थी अब क्या करने लगेगी, घुलने लगेगी। क्वेश्चन होगा क्यों घुलने लगेगी, आंसर होगा इसलिए घुलने लगेगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो पार्टिकल पास पास है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो दूर दूर जाने लगेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे वो जो पास पास है, ठीक है, वो क्या जाने लगेंगे आपके, दूर दूर। और जब वो दूर दूर जाने लगेंगे तो क्या उनके बीच में फिर से गैप बन जाएगा या नहीं, और जैसे ही वो गैप बन जाएगा, जैसे ही वो आपका फिर से क्या बन जाएगा, गैप, उस खाली जगह में वो चीजें आ जाएंगी और वो गर्म करने पर घुलने लगेंगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस पूरा ऑक्यूपाई हो गया था वो आपका क्या होने लगता है, फिर से गर्म होने लगता है, सॉरी वो फिर से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, गर्म करने पर चीजें फिर से घुलने लगती हैं। आया पॉइंट समझ में। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफ्यूजन तो बढ़ेगा, साथ के साथ टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। मैं ये सारी बातें जो आपको बताता हूँ वो आपके लेवल की होती हैं। हाँ, इनमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सब आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, वो आपको नहीं जानने, इसलिए आप उतना जानिए जो आपके लिए जरूरी है और वो चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं, पहले तो काइनेटिक एनर्जी है क्या, जब भी कोई भी चीज मूव करेगी, कोई भी चीज, चाहे मेरा हाथ ये यहां से यहां गया, चाहे मैं यहां से यहां आया, चाहे कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मतलब वो बस चले, कोई भी चीज जो मूव करेगी उसकी वजह से, उसके मूव करने की वजह से, उसकी मूवमेंट करने की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज जो मूव करती है उसकी वजह से उसमें क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस। अब जो चीज धीमे धीमे चलेगी उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जो चीज तेज तेज चलेगी उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब क्या हम काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ा सकते हैं, आंसर है हाँ। कैसे, टेम्परेचर, फिर से वही केस, टेम्परेचर। भाई सिंपल सी बात है, सुबह जब टेम्परेचर कम था तो आप लोग धीमे धीमे आराम से चल पा रहे थे, चाहे सड़क हो, चाहे रोड हो, चाहे आपकी घास हो, बट जब दोपहर की बात हुई तो आप तेजी से चलने लगे, भागने लगे, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ गया।
टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, आपका जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो क्या हो गई, तेज हो गई। और जब वो तेज हो गई उसी वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ही, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स तेजी से भागते हैं। जितनी तेजी से वो भागेंगे उतनी तेजी से हवा के पास जाएंगे, और जितनी तेजी से वहां जाएंगे उतनी तेजी से ही वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि एयर के पार्टिकल में आपके फूड के पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं ना, दो डिफरेंट मैटर एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, तो इसीलिए आंसर, टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, डिफ्यूजन भी बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी भी। इसीलिए आपकी वो चीजें क्या होती है, आसानी से गर्म खाना या गर्म चीज की स्मेल एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंच जाती है। आई होप अब आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट रह गया होगा तो अब की वीडियो में क्लियर हो गया। अब हमारे ये दो पॉइंट हो गए, दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, दो कैरेक्टर हमने पढ़ लिए, किसके, पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके, कि एक तो वो लगातार मूव करते रहते हैं, दूसरा कि वो जो हैं, ठीक है, उनके क्या होता है कि आपके एक तो मूव करते हैं, दूसरा उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दोनों पॉइंट हमने स्टडी कर लिए। तीसरी प्रॉपर्टीज, तीसरा कैरेक्टर कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। अब आप कहेंगे ये तो हमें दिखाई नहीं देता, ये तो सिर्फ हमें किसमें दिखाई देता है, मैग्नेट या चुंबक में, या फिर हमें कब दिखाई देता है, जब हम किसी करंट वाली तार उसके पास जाते हैं तो वो हमें अपनी तरफ खींच लेती है, या फिर जब आपका चलता हुआ रेडियो उसके पास आप अपने हाथ लेके जाएंगे तो आपके ये रूए क्या हो जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही चलती हुई टीवी की स्क्रीन के पास जब आप लेके जाएंगे तब ऐसा होगा, या चलता हुआ टीवी का जो स्पीकर है उसके पास लेके जाएंगे तब ऐसा होगा। वहां होता है वो अट्रैक्ट होती हुई चीज आपको वहां पे दिखती है, बट यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए ये जो मार्कर है, ये मार्कर जिस प्लास्टिक से बना है, उस प्लास्टिक के अंदर जो छोटे छोटे एटम, जो छोटे छोटे कण होंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो भी एक दूसरे को पकड़े हुए होंगे। ये बात कैसे साबित होगी, ये बात साबित होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, साबित ऐसे होगी कि आपने क्या लिया, एक चौक का टुकड़ा लिया, आपने एक चौक का टुकड़ा लिया, एक पेंसिल ली और आपने क्या लिया, एक धागा। मेरे पास शायद अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है पेंसिल और आपकी क्या है, धागा, और आपके पास चौक, ये चीज आपके पास होंगी, आप कर सकते हो घर पे एक्सपेरिमेंट। आप क्या करिए, धागे को लीजिए और धागे को तोड़िए, देखिए कितनी ताकत खर्च हुई। उसके बाद पेंसिल को लीजिए, पेंसिल को तोड़िए, या खाली, ठीक है, खाली जो आपकी बेकार हो उसको तोड़ के देख लीजिए, नहीं तो अगर है भी तो छोटे पार्ट, टू पार्ट्स में वो यूज हो जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज आपकी बची क्या, आपकी चौक हो गई, आपका क्या हो गया, थ्रेड हो गया, धागा हो गया। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल जो आपने ली, ठीक है, चौक हो गई, धागा हो गया, पेंसिल हो गई। उसके बाद आपकी अगली चीज क्या आती है, अगली चीज आप लोहे की कील ले लो या लोहे की कोई भी चीज ले लो, अब आप उसको तोड़िए। जब आप तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे आसानी से मैंने चौक को तोड़ दिया, क्योंकि जब धागे को तोड़ोगे तो थोड़ा खींचना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला है कि आपने चौक को सबसे आसानी से तोड़ दिया। उसके बाद आपने धागे को, उसके बाद आपने किसको, पेंसिल को, और सबसे ज्यादा मुश्किल आपको किसको हुई, लोहे को तोड़। और क्या ये सारी चीजें जो आपने ली, क्या ये ठोस नहीं थी, क्या ये सारी की सारी सॉलिड नहीं थी? आंसर होगा चारों चीजें सॉलिड है। जब चारों चीजें सॉलिड है तो फिर मुझे एक सॉलिड को तोड़ने में कम ताकत, दूसरे को उससे ज्यादा, तीसरे को उससे ज्यादा और चौथे को सबसे ज्यादा लग रही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे हमारे दो दोस्तों में, क्योंकि मैं तो यहां अकेला हूं, आप लोग कर सकते हो जब तीन चार मेंबर हो, तीन चार अगर आप मेंबर होते हो एक दूसरे को, जैसे हम क्या कहें दही हांडी के केस में, जब आप क्या करते हो जन्माष्टमी पे दही हांडी करते हो, तो वहां पे जब आप एक दूसरे को पकड़ते हो तो बहुत टाइटली पकड़ते हो, जब टाइटली पकड़ते हैं तो एक दूसरे को आप हिला नहीं पाते। जिसका अगर मैं दूसरा एग्जांपल बताना चाहूं तो आपका क्या है, एक ग्रुप है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, लड़कियों का एक ग्रुप है जो डांस कर रहा है, अब उसमें क्या है, एक ने क्या कर रखा है, एक दूसरे को ऐसे हाथ से, ये वाला जो है ऐसे ये पकड़ रखा है एक दूसरे को इस तरीके से, दूसरे वाले ग्रुप ने क्या कर रखा है, सिर्फ उंगलियां ऐसे फंसा रखी है, तीसरे वाले ने क्या किया है, सिर्फ ऐसे आपकी क्या है, उंगली टच कर रखी है। एक लड़का आता है या एक ग्रुप आता है जो इसको तोड़ने की कोशिश करता है, मतलब यहां पे हाथ मारता है इसको तोड़ने की कोशिश करता है, दूसरा इस वाले को तोड़ने की कोशिश करता है, तीसरा इस वाले को, क्या आप बता सकते हैं वो कौन से को तोड़ पाएगा जल्दी, सबसे पहले किसको तोड़ देगा, इस वाले को।
क्योंकि इसमें ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा ताकत से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए इसको तोड़ना क्या है ज्यादा आसान है। दूसरा, इसमें थोड़ी ताकत से जुड़े हुए हैं इसलिए इनको तोड़ना क्या होगा थोड़ा मुश्किल। बट इस वाले को, इसमें इन्होंने एक दूसरे को बहुत ताकत से पकड़ रखा है इसलिए वो इस वाले को तोड़ नहीं पाएगा, अगर तोड़ना चाहेगा तो उसको बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। अब यहां पे आपने देखा कि क्या है, एक दूसरे को पकड़ रखा है, यहां पे खाली टच किया है, यहां पे एक दूसरे को पकड़ रखा है और यहां पे और ज्यादा ताकत से पकड़ रखा है। मतलब ये तो चीज हुई आपको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन समझाना। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, एलिमेंट्स के साथ क्या होता है कि वो एक दूसरे को बहुत ताकत से, जैसे अगर मैं आपको दिख रहा हूं या दिखाने की कोशिश करूं कि ये जो चीनी का दाना है, मैंने ये चीनी का एक दाना लिया है इतना बड़ा आपको समझाने के लिए। अब इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे आपके क्या होंगे, चीनी के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, क्लियर, ये स्ट्रक्चर जो है। अब यहां पे ये जो मैं स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, ये क्यों बना रहा हूं, क्या इसका रीजन है, अभी समझ में आ जाएगा आपको सब। ये जो मैंने बनाए इन सबको, ये मान लीजिए ये आपके इसके अंदर के, ये चीनी का एक जो छोटा सा दाना है उसके अंदर के ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये सबने भी, इन सबने भी एक दूसरे को पकड़ रखा है, ये इन सबने भी एक दूसरे को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा है सबने, ये इस तरीके से सबने एक दूसरे को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। तो जब ये एक दूसरे को पकड़े हुए हैं तो इनके बीच में क्या लगता है, एक आपकी कैरेक्टर जनरेट हो जाता है जिसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव नेचर, कि आपका एक मैटर दूसरे मैटर को पकड़े हुए है, एक आपका मैटर का जो पार्टिकल है, मैटर में भी और पार्टिकल की, जो एक मैटर के पार्टिकल्स है उन्होंने आपस में एक दूसरे एटम को क्या कर रखा है, एक दूसरे पार्टिकल को बहुत ताकत से पकड़ रखा है, इसीलिए ये मार्कर आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर भी लगता है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपके जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिम्मेदार होती है किसी भी चीज के आपके तोड़ने के लिए। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं बताता हूं, जैसे आपकी अगर क्या होगी, किसी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसको तोड़ना बहुत आसान होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा होगी तो बहुत मुश्किल होगा। और इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैटर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बनती हैं, मैटर की आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स मिलती हैं, वो भी क्यों मिलती हैं, क्योंकि उन सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होती है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। सॉलिड क्या होता है, जिसमें एक दूसरे को उन्होंने बहुत ताकत से पकड़ रखा है क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए उस चीज को मैंने बोल दिया सॉलिड। जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई सॉलिड से कम, उसको मैंने बोल दिया लिक्विड। जिसमें और कम हो गई या सबसे कम हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको मैंने बोल दिया गैस। सॉरी तो आपका पॉइंट क्या निकला कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि वो एक दूसरे को खींच के रखती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, और उसका पूरा नाम क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिम्मेदार होती है मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के लिए। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स आपको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि अगर आप में सब में एक ही अमाउंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दो तो या तो सब सॉलिड बन जाएंगे या सब लिक्विड बन जाएंगी या सारी चीज गैस बन जाएंगी। अलग अलग वो आपको दिखाई दे पाती है क्योंकि उन सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होती है। क्लियर हो गया दोस्तों पॉइंट, ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे आप किसी भी चीज को सॉलिड में लिक्विड में गैस में या फिर किसके बीच में सबसे ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस में सबसे कम होगी, ये सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट और है, जो पार्टिकल्स मतलब जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसमें स्पेस ज्यादा होगा या कम, ऑब्वियस ही बात है। अगर आपका मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, यहां पे ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, यहां पे ये वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहां पे ये पार्टिकल्स हैं। अब आपको दिख रहा है कि इनके बीच में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, वीक है, कम है,
यहां पे इससे थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी इससे क्या है ज्यादा, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम हो गई। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका सॉलिड, ये क्या हो जाएगा लिक्विड, ये क्या हो जाएगा गैस। तो आपकी मैटर की जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बनती हैं उनके पीछे मेजर रीजन आप कह सकते हो आपके लेवल पे आंसर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द बेसिक रीजन फॉर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर, या मैटर की जो डिफरेंट फॉर्म्स मिलती है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरा मैं बात कर रहा था स्पेस की, अब आप देखिए इसके बीच में स्पेस कितना ज्यादा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी गैप कम हुआ, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुई तो स्पेस और कम हो गया। ये मैंने पॉइंट क्यों बताया, ये आपको ये समझाने के लिए बताया कि अगर आप किसी सॉलिड में कोई चीज घोलना चाहते हैं या आप जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है उसके अंदर कोई चीज घोलना चाहते हैं और आप गैस में कोई चीज घोलना चाहते हैं तो दोस्तों ज्यादा आसान होगा गैस के अंदर घोलना, ठोस के अंदर घोलना या सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से उसमें गैप मिनिमम है, तो पहले मुझे इसे गर्म करना होगा तब इसमें ये पार्टिकल्स क्या होंगे दूर दूर जाएंगे तब थोड़ा बहुत गैप क्रिएट होगा तब मैं इसमें किसी चीज को घोल सकता हूं, इसीलिए मैं सॉलिड के अंदर किसी चीज को नहीं मिला सकता, इसीलिए मैं सॉलिड के अंदर किसी चीज को नहीं घोल सकता, इसीलिए लकड़ी में मैं चीनी या नमक को नहीं घोल सकता। ये है रीजन। जबकि लिक्विड में घोलना किसी भी चीज को बहुत आसान होता है, गैस में और भी ज्यादा आसान होता है, पर प्रॉब्लम यह है गैस को आप पकड़ नहीं सकते, उसको स्टोर नहीं, स्टोर तो कर सकते हो बट हाथ में पकड़ के नहीं कह सकते कि ये लिया और मैंने इसमें चीनी घोल दी, ये नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये देखिए यहां से आपको क्लियर हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा होगी स्पेस उसमें कम होगा, इसका मतलब डिफ्यूजन उसमें सबसे कम होगा। ये चीजें हम एक एक करके इनके जो कैरेक्टर्स है वो सब स्टडी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, हमारी क्या हो जाती है जो मैटर्स के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तीनों हमने स्टडी कर लिए। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज मुझसे पूछिएगा। अब इंटेक्स में जो क्वेश्चन है उन सबको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।